1857 की जंग आजादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 51,500 अहमद इकराम थे। 1861 में 3 लाख पुराने करीम के नुस्खे को बदबख्त अंग्रेजों ने जला डाला। उसी के बाद से ही अहमद इकराम को हत्या करने का फैसला कर लिया। अंग्रेज मौलिक कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पेशावर की जामे मस्जिद तक कोई ऐसा दफ्तर नहीं था जिस पर औलामा की गर्दन लटकी हुई ना हो। बशावर की जामे मस्जिद में फांसी का फंदा बनाया गया था, जिसमें एक एक दिन 80-80 उलमा किराम को उसमें फांसी दी जाती थी। अलबरस उन्हीं शहजादा इस्तमीन उलमा किराम अमरी पुजारी की आजादी में से हजरत हुसैन अहमद मदनी है, जिन्होंने खिलाफत कारण थाना से कराची में ऐसे वक्त में शिरकत की कि उन्हें गोली मार देने का हुक्म मिल चुका था। लेकिन हजरत वाला ने खिलाफत कराची में ऐसे वक्त में शिरकत की, अपने सर पर कफन बांध कर और जब उस स्टेज पर आया और जैसा कि सदारत फरमाई तो लोग देख कर लोगों की आंखें किसी की फटी रह गई। तो हजरत ने देख कर ये शेर फरमाया, अंग्रेजों को बुल बुल और गोलियों को फिर से तस्वीर ने फरमाया, लिए फिरती है बुल बुल चोट में गुल, लिए फिरती है बुल बुल चोट में गुल, ये शहीद लाश की कुर्बत खुदा है। हजरत ने शेर पढ़ा तो लोग आंखें घंटे से मुसलसल नारेबाजी करते हैं। उसके बाद अंग्रेजों को मुखातिब होकर और उलमा किराम की कुर्बानियों को बगियात गिराते हुए फरमाया, लिए खिलौना समझ कर बर्बाद न करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फरंगी की फौजों में हिम्मत के हक में जो सरदार चंद गाय हुए हैं। दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर अहमद अंसारी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, इन लोगों की सियासी रहनुमाई में ये तहरीक चलती रही।